दोस्तों फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे इन दो कैमरों के बारे में जो कि कैनन कंपनी के ये वो बेस्ट कैमरे दो हैं। तो आज हमारे साथ है एक 5D Mark III और दूसरा है एक 6D। दोनों कैमरे फुल फ्रेम कैमरे हैं, लेकिन 6D जो है वो थोड़ा रेट में कम है और 5D का जो रेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो 6D का रेट कहीं ना कहीं होता है 1,25,000 रुपये समथिंग, और 5D का रेट होता है जो है कि हमारे 2,00,000 रुपये। तो इनमें फ़र्क है हमारे 75,000 का। जो 75,000 में हमें क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है, तो इसी हम दोनों की फोटोग्राफी देखेंगे। दोनों की फोटोग्राफी ये देखेंगे कि अगर 2,00,000 का कैमरा यह फोटो खींच सकता है तो 1,25,000 का कैमरा यह फोटो क्यों नहीं खींच सकता, और दोनों में जो कंपेरिजन आएगा और जो फोटो की क्वालिटी आएगी वो हम दोनों में एक साथ फोटो क्लिक करेंगे और दोनों फोटो को हम एक जैसा देखेंगे कि भैया किससे फोटो ज्यादा अच्छा आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ में हमारे दोस्त जो हमारे इनका 5D लेके आए टेस्ट के लिए कि भाई 5D से अच्छे फोटो आ सकते हैं या 6D से ज्यादा अच्छे आ सकते हैं। तो दोनों कैमरे हमारे साथ हैं और हम दोनों को हम यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं हूं आपका शुभम सारस्वत। दोस्तों सबसे पहले हम 5D से क्लिक करेंगे और 5D का और 6D का दोनों का सेटिंग लगभग हमने सेम कर लिया है। हमने ISO रखा है 200, हमने स्पीड रखी है 125 और अपर्चर जो होगा वो हमारे फोटो के हिसाब से हम कम ज़्यादा कर लेंगे थोड़ा। तो देखते हैं कि दोनों कैमरे का सेम सेटिंग पर फोटो कैसा आता है। तो पहला क्लिक लेंगे हम 5D Mark III से और दूसरा क्लिक लेंगे हम 6D से। ओके रेडी शुभम। दोस्तों कहीं ना कहीं हमें 5D में फोकस पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं। वेरी नाइस, फेस इधर घुमाओ। दोस्तों इसमें हमने केल्विन का थोड़ा सा सेटिंग का प्रॉब्लम लग रहा है, तो केल्विन हम एक बार थोड़ा सा सेट करेंगे। दोनों का केल्विन हम चेक करेंगे, लाइट डार्क हमें क्या मिल रहा है। तो हम इसके केल्विन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि ब्लू फोटो हमें थोड़ा ज़्यादा मिला है, तो हम इसको केल्विन का थोड़ा बढ़ा लेते हैं। केल्विन इनमें थोड़ा कम ज़्यादा चलता है, केल्विन दोनों का कैमरे का सेम नहीं आता, लेकिन केल्विन से ऐसा नहीं है कि इनकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ होगा। दोस्तों केल्विन कब यूज़ किया जाता है, जब आप मैनुअल शूट करते हैं तो आपको कलर टोन को सेट करने के लिए आपको केल्विन को यूज़ करना पड़ता है, तो वो ज़्यादा अच्छा कलर टोन बैठ सकता है। केल्विन 5D में हमने रखा है 5300। नाइस। हाँ सेकंड क्लिक लेंगे हम 6D से। यस रेडी स्माइली। नाइस, दोनों पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। आप देख सकते हैं कि 5D में और 6D में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट शूट पे चलते हैं आप। इसको इस पोज को हम पूरा फुल क्लिक करेंगे, फुल पोज बनाएंगे और इसमें हम जूम को पूरा फुल यूज़ करेंगे। हम पूरा 105 का लेंस पूरा यूज़ करेंगे। स्माइली, नाइस, वन मोर स्माइली, सेम पोज, नाइस, परफेक्ट, रेडी नेक्स्ट शूट। दोस्तों नई लोकेशन पर आए हैं, तो नई लोकेशन पर अब हम क्लिक करेंगे 5D को परफेक्ट सेट करके, कि इसकी जो क्वालिटी है इसके हिसाब से जो ले सकता है वो हम सेट करेंगे पहले। तो हमने सबसे पहले इसको सेट करने के लिए इसका ISO चेक किया। ISO इसका 200 पे सही है, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड इसका 125 पे कोई दिक्कत नहीं, और इसके अपर्चर को हम 4.0 उतना कम हो सकता है उतना कम हमने ले लिया है। यस रेडी स्माइली। अब हम 6D को अपने हिसाब से सेट करेंगे, 6D में क्या हो सकता है। तो 6D का हमारे अभी ISO है 200, स्पीड है वही 125 और अपर्चर को रख रहे हैं हम 4.0। अब इसके लाइट डार्क में क्या फ़र्क पड़ता है वो देख लेते हैं हम, और इसके केल्विन में क्या फ़र्क पड़ सकता है। वन मोर स्माइली, नाइस, ओके। नेक्स्ट लोकेशन पे हम नेक्स्ट पोज बनाएंगे, और नेक्स्ट पोज में हमें लाइटिंग कैसी मिल रही है, हमें पीली लाइट मिल रही है ब्लू लाइट मिल रही है। तो हम केल्विन को ऊपर नीचे करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कंपेयर किया है 6D और 5D में, तो 6D और 5D में केल्विन का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा इशू हो रहा है, क्योंकि केल्विन इनका बराबर सेट नहीं हो पाएगा। केल्विन को अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा ताकि पिक्चर का कलर हमें अच्छा परफेक्ट मिल सके। तो चलिए एक शूट और करते हैं। दोस्तों एक क्लिक कर लेंगे हम 5D से, फर्स्ट फोटो हमारा जो भी होगा वो 5D का होगा, सेकंड फोटो जो होगा वो 6D का होगा। तो अब हम थोड़ी शेडेड जगह में है, थोड़ा सा डार्क थीम है, तो हम यहाँ पर पास सेटिंग करेंगे जो इनकी अपने हिसाब से प्रॉपर सेटिंग होती है, क्योंकि फर्स्ट के जो क्लिक लिए थे हमने सेम सेटिंग पर लिए थे। ISO बढ़ाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पिक्चर में थोड़ा सा डार्कपन आ गया है, तो हम ISO बढ़ाएंगे। अपर्चर को हम नहीं बढ़ाएंगे, अपर्चर को इसलिए नहीं बढ़ाएंगे, अपर्चर हमने सबसे कम रख रखा है, हमें पिक्चर को ब्लर चाहिए इसलिए।
तो आईएसओ को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। दोस्तों आईएसओ हमने 100 कर लिया है 5D Mark III का, और इसके केल्विन में भी थोड़ा सुधार करेंगे हम। केल्विन को हमारा थोड़ा ब्लू पिक्चर बहुत ज़्यादा आ रही है इसकी, तो हम इसको थोड़ा और केल्विन बढ़ाएंगे। हमने 6000 इसका केल्विन कर लिया है। ओके रेडी शुभम? यस पॉज। आईएसओ थोड़ा ज़्यादा हो गया है, आईएसओ हम थोड़ा सा कम करेंगे वापस से। 640 करा हमने आईएसओ को, वन क्लिक, स्माइली, वन मोर, वेरी नाइस। अब 6D का क्लिक करेंगे हम, 6D का कितना आईएसओ लेता है 6D हम चेक करते हैं। 6D का आईएसओ भी हमने 640 लिया है, तो आईएसओ में कोई कमी नहीं है, आईएसओ दोनों के बराबर काम कर रहे हैं। दोस्तों अभी जो हमने इसका कलर टोन रखा है वो सब दोनों एक सेम रखा है हमने, ना ही RGB को ज़्यादा छेड़ा है, ना ही हमने पिक्चर स्टाइल को ज़्यादा अलग छेड़ा है, जो नॉर्मल होता है कैमरे का वही हमने रखा है। परफेक्ट, थैंक यू। दोस्तों दोनों कैमरे में से हमें 5D में ज़्यादा फोकस पॉइंट अच्छे से मिल जाते हैं, जिससे हम पिक्चर शार्प ला सकते हैं। दोस्तों 5D से क्लिक करते हैं हम सबसे पहला, और 5D में हमने ISO को इस बार सेट किया है 500 पर, हमारा कैमरा प्रॉपर लाइटिंग दे रहा है। रेडी शुभम? स्माइली, परफेक्ट क्लिक है। अब नेक्स्ट क्लिक हम करेंगे 6D से। 6D में फोकस पॉइंट थोड़े कम होते हैं, जिससे हमें पिक्चर शार्प लाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। 6D हमारा कितना ISO दे रहा है हम ये भी चेक करेंगे। 6D का ISO भी हम करते हैं 500 पर। यस रेडी, स्माइली, परफेक्ट क्लिक, थैंक यू। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि 5D Mark III और 6D में कोई ज़्यादा एक मुझे फ़र्क नहीं नज़र आया, दोनों में पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, और दोनों के ISO लगभग एक से मान चलते हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं लेता ISO। खाली मुझे लगा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि इसके कलर टोन में कहीं ना कहीं फ़र्क है, तो इसके हम जब मैनुअल चलाते हैं तो केल्विन में हमें थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, बाकी तो मुझे दोनों कैमरे बेस्ट लगे हैं। कहीं ना कहीं कोई फ़र्क नहीं है, दोनों कैमरे बेस्ट है, दोनों कैमरे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसा कि आपने बताया कि भैया कलर टोन का फ़र्क है, तो कलर टोन का मैं भी मानता हूँ कि कलर टोन का फ़र्क है। बाकी जो मन में शंका थी कि भैया 2 लाख का कैमरा जो काम कर सकता है वो 1.25 लाख का कैमरा नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई डिफरेंट लगा नहीं है। दोनों कैमरे कलर टोन वगैरह काफ़ी मतलब थोड़ा सा अलग है मानते हैं अपन, या बाकी हर चीज़ में 2 लाख के कैमरे से मतलब जो भी 6D को हो सकता है, या 6D भी बराबर कैमरा काम कर रहा है और 5D भी बराबर कैमरा काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि भैया जब हम शूट करते हैं तो हमारा ISO कम ज़्यादा कुछ लगता हो 6D में या 5D में, तो ऐसा कुछ लगा आपको कहीं ना कहीं कि भाई पिक्सल का कुछ फ़र्क आएगा या नहीं आएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं आएगा क्या, बस ये है कि बस अपने को थोड़ा सा सेटअप भी अलग से करना पड़ता है। हाँ दोस्तों यह था बेसिक सा फंडा 5D Mark III और 6D में कि भैया क्या क्वालिटी और क्या कंपैरिजन होता है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुभम आप भी बता दीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।